इस बार जब मंकी अपनी आंखों की लेजे से उस देवता के महल पर वार करता है तो उसका घर आधा गिर जाता है। गुस्से में वो आपातकालीन वाला भोपू बजाता है बुद्धा को बुलाने के लिए। बंदर को उसकी औकात दिखाने के लिए तीनों लोक के देवता आते हैं, लेकिन मंकी अपनी छड़ी को बड़ी करके उन्हें लपेट लेता है और घुमाकर बिल्कुल छोटा कर देता है। और फिर लड़की देखती है कि बुद्धा आ चुके हैं मंकी किंग को खत्म करने। वो जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखने जाते हैं तभी लड़की उन्हें रोकती है। वो बताती है मंकी किंग वैसा नहीं है, वो परवाह करता है, उसे हर किसी ने धुतकारा है, किसी ने उसे अपनापन का एहसास नहीं दिलाया, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, वो भटक गया है। बुद्धा लड़की से कहते हैं अगर वो सही है तो उसे सही रास्ता दिखाओ। वो लड़की को खुद के अंदर समा लेते हैं जिससे वो बुद्धा के सहारे अपनी बात मंकी तक पहुंचाती है। लड़की उसे रोकती है लेकिन मंकी किंग बुद्धा को कहता है मुझे महान संत स्वर्ग का देवता बुलाओ, मंकी किंग नहीं। लड़की उसे एक चुनौती देती है कि अगर तुम मेरे हाथ से उड़कर बाहर जा पाओगे तो तुम स्वर्ग के राजा कहलाओगे, ये वादा रहा। जेड एम्परर पूछता है अभी बुद्धा ने क्या कहा। फिर लड़की उसे बताती है अगर तुम ऐसा ना कर सके तो पृथ्वी पर तुम रहकर लंबी तपस्या करोगे जब तक तुम्हें अपनी शक्तियों का ज्ञात ना हो जाए। मंकी किंग तुरंत उड़कर ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। अगले पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।